अच्छा लड़ाई किससे है सर? अरे लड़ाई है ये ना है, कोई लड़ाई नहीं है, कोई नहीं है, ओनली विश्वनाथ प्रसाद यादव विन दी इलेक्शन। यहाँ पर विश्वनाथ जी भारी मतों से जीतेंगे। अच्छा, और हम देख रहे हैं कि झगड़ा हो रहा है भीतर, हम गए काहे झगड़ा हो रहा है, तो यहाँ पर लालटेने छापई लालटेने छापई लालटेने छाप कि यहाँ पे 35 वर्ष बनाम 8 महीने का लड़ाई बना दिया गया है विपक्ष के द्वारा, क्या कहिएगा? राजद कार्यालय में है बेलागंज में, और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रामचंद्र पूर्वे जी हैं। सर, सबसे पहले तो स्वागत है हमारे चैनल पे। हम अपनी ओर से आपको बधाई देते हैं कि आप नौजवान होकर के अपने चैनल के माध्यम से बेलागंज में चुनाव की क्या स्थिति है दिखा रहे हैं, इसको दिखला रहे हैं, और आपका विश्लेषण भी हो रहा है। सर, मेरा सवाल ये है कि यहाँ पे 35 वर्ष बनाम 8 महीने का लड़ाई बना दिया गया है विपक्ष के द्वारा, क्या कहिएगा? देखिए, यहाँ पर वह लड़ाई नहीं है। जब हम पटना से चले, हमारे साथी डॉक्टर प्रेम गुप्ता जी हैं, साहू समाज के हैं, व्यवसायी प्रकोष्ठ के, साहू समाज प्रदेश के महासचिव हैं और साहू समाज के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं, सैनिक प्रकोष्ठ के हमारे साथी विजय यादव जी हैं, प्रदेश के अध्यक्ष हैं। जब हम आ रहे थे तो असल में बाईपास होकर के हम आ रहे थे, फोर लेन से हम आ रहे थे, तो एक व्यक्ति से पूछा कि भाई बेलागंज जाने का क्या रास्ता है, नारायण पहले जाना है। तो साथ ही साथ चूँकि हम मैथमेटिक्स के टीचर रहे हैं, तो हमने पूछा कि अब व्यक्ति कहा कि यही होकर चल जाओ आगे अपने के राष्ट्रीय जनता दल के ऑफिस मिला। तो हमने पूछा क्या माहौल है, तो वह व्यक्ति जो 70 वर्ष का व्यक्ति था, उन्होंने बतलाया कि माहौल पूछी थी, यहाँ पर लालटेने छापे सब आदमी तैयार हो गए है, तेजस्वी यादव के कैंडिडेट विश्वनाथ प्रसाद यादव को जिताने के लिए। तो हम यहाँ पर आए थे, गजब माहौल, यहाँ के कार्यकर्ताओं में, यहाँ के लोगों में, सभी प्रखंड के लोग यहाँ पर आए हुए हैं, और हम देख रहे हैं कि झगड़ा हो रहा है भीतर, हम गए काहे झगड़ा हो रहा है, तो झंडा के लिए, टोपी के लिए। अब यहाँ के प्रभारी जो है सो 25 को टोपी दे रहा है, अब कही जी ना हमारा 50 को टोपी चाहिए। तो आपके नेता तो बोलते हैं टोपी और गमछा लेना बात ही मना है। नहीं, कार्यकर्ता का उत्साह, टोपी जो है प्रतीक है, गमछा जो है सो प्रतीक है हमारी पहचान का और हमारे स्वाभिमान का। तो मतलब यहाँ पर हमने देखा सभी पूर्वे जी प्रणाम, कोई पैर छू के प्रणाम कर रहा है, की हाल चाल हो, तब मत एकदम हमारा जीत। हमको याद है कि सुरेंद्र यादव भी हमारे पुराने मित्र हैं, बहुत पहले हमको लगता है कि 90 में राजेश कुमार जी जब यहाँ से खड़े थे तो टावर पर मेरा रात में भाषण हुआ था। लालू यादव और तेजस्वी यादव का जो सामाजिक न्याय, धर्म निरपेक्षता, वंचितों शोषितों को आगे बढ़ाने का जो वजूद है, उसको कायम यहाँ का लोग रखना चाहता है। कार्यकर्ताओं से मैंने पूछा तो सर अभी तो यह अंग्राई है, आगे बड़ी लड़ाई है, चारों में हम जीतेंगे तो हम कामयाब हो जाएंगे, हमारा जो संकल्प है 2025 में तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने का, वह संकल्प पूरा हो जाएगा। तो कार्यकर्ताओं के चेहरा पर जो जोश है, जो मतलब उत्साह है और कुछ करने का जो वजूद है, उससे हमको लगता है कि यहाँ पर विश्वनाथ जी भारी मतों से जीतेंगे। अच्छा, और दूसरे जगह का भी जो हम पता किए तो सभी जगह जो बेलागंज की स्थिति है वही स्थिति चारों क्षेत्र में है। अच्छा, तो बाई इलेक्शन का मुद्दा क्या है सर? मतलब कि जो हो रहा है चुनाव 2024, बाई इलेक्शन का यही मुद्दा है। यहाँ का लोग हमसे और आपसे ज़्यादा समझता है कि इसका मुद्दा यही है कि यहाँ अगर हम लालटेन छाप को दिया, इंडिया गठबंधन को जिता देंगे चारों जगह,
तो यही मुद्दा बनेगा तेजस्वी यादव को 2025 में मुख्यमंत्री बनाने का। कुछ दिन पहले को जदयू के बहुत वरिष्ठ नेता ललन सिंह आए हुए थे, बोल रहे थे कि क्या बोलते हैं कि सुरेंद्र यादव पढ़े लिखे नहीं हैं, उनको कुछ बोलने नहीं आता है, चालने नहीं। सुरेंद्र यादव पार्लियामेंट, सुरेंद्र यादव हमारे साथ मतलब कि जो लोक लेखा समिति के अध्यक्ष थे, हम जब MLA थे तब, और हमने देखा कि लोक लेखा समिति जो सबसे बड़ा फिनेंशियल कमिटी है उसको बढ़िया ढंग से सुरेंद्र प्रसाद यादव जी चला रहे थे। यह साधारण है, अकिल होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, तजुर्बा होना चाहिए, और जनता कोई सेवा करने का जो समर्पण का भाव होना चाहिए, यह सुरेंद्र प्रसाद यादव में है। इसलिए यहाँ का बनिया बिरादरी एक एक कर करके वोट वहाँ पर हमारे व्यवसायिक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष कहाँ पर है। अच्छा, लड़ाई किससे है सर? अरे लड़ाई है ये ना है, कोई लड़ाई नहीं है, कोई नहीं है, ओनली विश्वनाथ प्रसाद यादव विन दी इलेक्शन। चलिए, पूर्वे जी हैं जो कि बता रहे हैं कि विश्वनाथ प्रसाद यादव चुनाव जीत रहे हैं, बाकी समय बताएगा कि कौन चुनाव जीतता है, कौन चुनाव हारता है। हम बाई इलेक्शन का एक अपडेट दिखा रहे हैं और आगे भी दिखाते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे नालंदा दस्तक।